दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि GPON नेटवर्क क्या है और इसकी रिक्वायरमेंट जो है मार्केट के अंदर क्यों बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि GPON नेटवर्क क्या है और इसकी रिक्वायरमेंट जो है मार्केट के अंदर क्यों बढ़ती जा रही है। सो दोस्तों इस वीडियो को जो है एंड तक देखना ना भूले। मैं हूं मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि ये GPON नेटवर्क क्या है और क्यों इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि GPON नेटवर्क है क्या। तो GPON का मतलब होता है गीगाबिट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क। यहां पे गीगाबिट को बहुत सारे लोग गीगाबाइट ऑपरेट करते हैं, गीगाबाइट बोलते हैं, गीगाबाइट नहीं होता है। गीगाबाइट जो है बेसिकली स्टोरेज के अंदर यूज किया जाता है। यहाँ पे नेटवर्क है, नेटवर्क के अंदर स्पीड का इस्तेमाल होता है, तो इसी वजह से यहाँ पे जो है गीगाबिट बोला जाता है, नॉट गीगाबाइट। तो GPON का मतलब हो गया, एक फुल फॉर्म हो गया उसका कि गीगाबिट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क। यहाँ पे गीगाबिट क्यों है? गीगाबिट इसलिए है क्योंकि जो डेटा ट्रांसमिशन की जो स्पीड है वो गीगाबिट में है, यानी कि काफी ज्यादा स्पीड है। वहीं पे अगर हम बात करें, पैसिव शब्द जो है यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है वो इसलिए कि इसके जितने भी सेंटर में, यानी कि पूरा नेटवर्क एक एंड से ए से बी तक एंड जो है उसके बीच में जितना भी नेटवर्क है वो सारा का सारा पैसिव है। पैसिव का मतलब है कि जिन ऐसे इक्विपमेंट जिनको जो है ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिकल का रिक्वायरमेंट यानी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। तो यहाँ पे पैसिव इसीलिए है क्योंकि जितने भी इसके अंदर स्प्लिटर वगैरह यूज होते हैं उनके लिए, उनको ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यहाँ पे जो है सिर्फ आपका ए एंड पे, यानी कि जहां से वो आपका ISP या जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज होगा और आपके यूजर एंड पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज होगा। बीच में चाहे जितने भी स्प्लिटर आ रहे हैं वहां पे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है पावर की। तो ये एक बेस्ट चीज है, तो इसी वजह से यहाँ पे पैसिव वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। ऑप्टिकल नेटवर्क यानी कि यहाँ पे जो इसके अंदर जो डेटा ट्रांसमिट, डेटा को कैरी करने के लिए जो यूज होता है वो होते हैं लाइट सिग्नल, इसीलिए यहाँ पे जो है ऑप्टिकल नेटवर्क इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे जो है गीगाबाइट का, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि गीगाबाइट मतलब कि गीगाबिट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क, ऐसे नेटवर्क जिसको जो है जो कि लाइट की स्पीड से डेटा कैरी करता है और जिसको सेंटर में ए और बी के बीच में जितना भी नेटवर्क आता है चाहे वो कितनी भी स्प्लिटर लगते हैं वहां पे उनको ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन जो है, इलेक्ट्रिसिटी की यूज जो है वो नहीं होता है। तो ये हो गया कि व्हाट इज GPON नेटवर्क। अभी बात करते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट जो है मार्केट के अंदर क्यों बढ़ती जा रही है। रीजन बीइंग कि यहाँ पे जो है पहला अगर मैं बोलूं तो ये है ट्रिपल प्ले। ट्रिपल प्ले का मतलब होता है यानी कि मल्टीपल सिग्नल, जो मल्टीपल सर्विसेज जो है हम एक ही केबल के जरिए और पूरी स्पीड की जितनी उन वहां पे एंड पे रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए हम जो है एक ही वायर के थ्रू जो सिग्नल पास करके लेके जाते हैं उसको कहते हैं ट्रिपल प्ले। तो यहाँ पे ट्रिपल प्ले यानी कि एक ही नेटवर्क के अंदर हम मल्टीपल चीजें जो है, सर्विसेज जो है हमारे यूजर्स को प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो इंटरनेट है, चाहे वो टेलीफोन सर्विस है, चाहे वो टीवी सिग्नल्स वगैरह है, तो ये सारा जो है एक ही नेटवर्क के थ्रू चला जाता है। दूसरा इसकी रिक्वायरमेंट बेनिफिट जो है ये है कि यहाँ पे जो है हमें आज की डेट में बैंडविड्थ जो है वो ज्यादा की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि पहले जो एप्लीकेशंस होती थी वो बहुत ही कम डेटा कंज्यूम करती थी, लेकिन आज की डेट में एप्लीकेशंस और वहां पे डेटा ट्रांसमिशन इतना ज्यादा स्पीड से बढ़ते जा रहा है कि हमें जो जितने भी हमारे दूसरे नेटवर्क चल रहे हैं वहां पे वो जो है फुलफिलमेंट नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से यहाँ पे GPON के जरिए जो है ये रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा सकता है, यानी कि जितनी भी हमें बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट है वो बैंडविड्थ जो है डेफिनेटली हमें वहां पे मिल जाती है। तीसरा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो है लॉन्ग रीच है। लॉन्ग रीच का मतलब है कि हमें जो है एक केबल अगर यहां से स्टार्ट करते हैं तो उसको जो है सेकेंड टर्मिनेशन जो है अगर बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा लंबा है तो हम जो है करीब 20 किलोमीटर तक विदाउट एनी अदर इक्विपमेंट, यानी कि उसके अंदर दोबारा सिग्नल बूस्ट नहीं करने पड़ते हमें, तो ऐसे ही जो है इसका जो डिस्टेंस है वो करीब 20 किलोमीटर तक का हम जो है सिंगल केबल के जरिए विदाउट एनी लॉसेस जो है हम वहां पे सिग्नल को पहुंचा पाते हैं। यानी कि यहाँ पे जो है ए से बी तक, यानी कि अगर वो 20 किलोमीटर भी है
तब भी जो है हम इस नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं और बीच में कहीं पे भी हमें सिग्नल बूस्टर्स यहाँ पे नहीं लगाने पड़ते, यानी कि रिपीटर्स नहीं लगाने पड़ते। तो ये तीनों चीजों का अगर हम देखें कि ट्रिपल प्ले है, बैंडविथ हाई बैंडविथ हमें यहां से मिलती है और लॉन्ग डिस्टेंस है, ये जो है एक अगर हम दूसरे नेटवर्क्स की बात करें तो वहां पे तीनों के लिए अलग अलग नेटवर्क बनाना पड़ेगा। तो जिसकी अगर कॉस्टिंग की बात करें तो कॉस्टिंग काफी ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन वही चीज जो है बेनिफिट होता है जीपॉन के अंदर कि आपका एक ही नेटवर्क के अंदर आपको मल्टीपल सर्विसेज जो है आप प्रोवाइड कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जीपॉन नेटवर्क क्या है और इसकी रिक्वायरमेंट मार्केट के अंदर क्यों बढ़ती जा रही है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।